मैं यहाँ मौजूद जो लोग तशरीफ ला चुके हैं उनका उनको वेलकम करना चाहता हूँ और इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय लगाया और तशरीफ लाए। तो इस डिस्कशन को जो डिस्कशन के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं इसको शुरू करने के लिए मैं हमारे साथ जनाब कुमार फारूक के साथ उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इसको इनिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच सर। जनाब सदर की इजाजत से हम बाकायदगी से प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि पूरा मुल्क इस वक्त एक बहुत ही अजीब हालात से गुजर रहा है और शायद हम हिस्ट्री के एक बहुत ही नाजुक मोड़ के ऊपर हैं। हमने महसूस किया कि जितने भी जो कंसर्न्ड लोग हो सकते हैं, जो वक्तन फ़क्तन जिनसे हम बात भी करते रहते हैं, जिनकी ओपिनियंस भी आती रहती हैं और जो इस पूरे इश्यूज के ऊपर कंसर्न भी हैं, उनसे आज दिल खोलकर बात की जाए। ये जो पूरा CANCR और उससे ज्यादा खतरनाक NPR, इनके ऊपर हम लोगों का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। हल्का सा एक मिनट में एक बैकग्राउंड बता दूं कि हम लोगों ने पहले एक इनिशिएटिव लिया और बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें सभी तरह के मुख्तलिफ लोग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे थे और एक अलायंस की शक्ल भी हमने दी जिसके कोऑर्डिनेटर जो नायर साहब को बनाया गया था, कन्वीनर साहब मुश्तबा फारूक साहब हैं। लेकिन वो एकदम से हमने शुरू करने का प्रोग्राम बनाया था और उसके अच्छे असरात भी हुए। लेकिन अब ये एक डेढ़ महीने के बाद हमको ये लग रहा है कि हालात जो हैं वो दे आर स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स एंड द थिंग्स आर गोइंग बैक टू वर्स। और फिर जिस तरह का कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट फ्रॉम द अथॉरिटीज आ रहा है वो बताते हुए एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फीचर है। बजाय इसके कि लोगों की जेन्युइन कंसर्न को अप्रिशिएट किया जाए, उनको सुना जाए, उसके खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं। और अगर आप हजरात की रोशनी न मिली पूरे अवाम को तो आने वाले वक्त के अंदर हम बहुत खतरात महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने महसूस किया कि आपके साथ एक गुफ्तगू की जाए और दिल खोल कर गुफ्तगू की जाए। लेकिन क्योंकि टाइम कम हो गया हमारे पास और तकरीबन बातें ज्यादातर आ चुकी हैं, तो दो तीन चीजों का हमको आपस में ही जरा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम टाइम की कदर करेंगे। क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि हम 12-1 बजे तक इसी नतीजे पर पहुंचे और उसके बाद फिर उसको बाकायदा फॉर्मुलेट करके मुहिम को किस तरह से चलाना है, किस तरह पे चलाना है, क्या बात करनी है, उसके लिए करेंगे। तो हम बात अपनी मुख्तसर जरूर रखेंगे। इसी बीच में हम आपको कुछ सर्कुलेट वो भी सर्कुलेट करेंगे, ओपिनियंस वगैरह जैसे जैसे चीजों के ऊपर आ रहे हैं वो भी देखेंगे और आपकी राय की बुनियाद के ऊपर देन वी विल गो इन फॉर ए काइंड ऑफ डिक्लेरेशन विच विल बी द यूनानिमस डिसीजन ऑफ अवर दिस गैदरिंग। और फिर उसके हिसाब से हम इस पूरी मूवमेंट को किस तरह से लेकर चल रहे हैं उसका फलोखात तय करेंगे। तो मैं आप तमाम हजरात का इस्तकबाल भी करता हूं और जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा जो कंसर्न रहेगा तो पहले तो इन तीनों चीजों के तहत मुख्तसरन जो गुफ्तगू हो सकती हो बहुत ही एक प्रिसाइज मैनर में, बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज के अंदर हम उसको करेंगे। आपकी तमाम चीजें हम यहाँ नोट भी करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे और उसके बाद फिर बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू कम आउट विद अ डिक्लेरेशन व्हिच विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ टुडेज मीटिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वी विल बी गेटिंग ऑल द कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द साइड। सो विद दीज रिमार्क्स आई वुड इनिशिएट द डिस्कशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट न्यास वालोटी साहब टू थ्रो सम लाइट ऑन द लीगैलिटी ऑफ द होल थिंग सो दैट वी विल स्टार्ट इट। सो
आप में से इस इश्यू के ऊपर जो लोग भी जो कुछ बात करना चाहते हैं, लेट अस टेक एन इनिशिएटिव, क्या ख्याल है आपका? तो आप अपना जब क्योंकि उसके ऊपर रिकॉर्ड भी होगा तो जरा नाम भी बता दीजिएगा ताकि चीजें रिकॉर्ड में आ जाए। आप प्लीज अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करा दीजिए, दैट विल बी मच बेटर। श्योर सर, गुड मॉर्निंग ऑल, पवन कुमार फ्रॉम हैदराबाद। I represent from the Brahmin community. I took the initiative to step ahead from my community to be a part of this thing. And as the elderly said, that India is going through a crisis. But at the same time, I also wants to give my regards to Narendra Modi ji and Amit Shah ji for giving this opportunity to India to show the unity among all the diversities that belongs to India. So this is another partition which had already had happened and experienced in the past. Now it has come to a crisis that there is a need to stand again and show our strength. And it is more of it is it belongs to the constitution. And it's not about Hindu or Muslim or Sikh inside, that we need to save the constitution. After 1947 we have took an oath that we keep this constitution ahead from parliament to a servant level, that we'll follow the rules and we'll abide by the rules of this constitution. Now that it has become a prime point that where the constitution lies and how far the nitty-gritties are going to be implemented on such a large act, which is, I don't know, it is liberally that is going to bring some partition among the people. We are going back towards, that's what my feeling is all about. But yes, I look forward to fight for it, and whatever we decide today, we will look forward and we will want to take it forward to the grounds. Thank you so much. Sir, kindly remain seated. Yes, that's perfectly all right. Thank you. मैं विभिन्न त्रिपाठी हूँ और मैं सद्भाव मिशन के तहत फिर कबारियत के सवाल पे काम करता हूँ। मेरे तीन चार सरोकार हैं। पहला सत्र ये है कि ये जो सीए आया, इसमें जो खांचा बनाया गया इलीगल माइग्रेंट्स का मुसलमानों और गैर मुसलमानों का, वही तो फाड़ कर रहा है मुल्क को। अब आप इसमें मोदी जी की तारीफ करें चाहे बुराई करें, कोई गलत मसला है, हमें इंडिविजुअल्स पे जाने की जरूरत नहीं। मुख्य बात यह है कि सीए अगर एग्जिस्ट करेगा तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा नहीं, लिहाजा इसका खत्म होना लाजमी है। और ये जो लड़कियां बैठी हैं शाहीन बाग की और तमाम मुल्क की, ये हिंदुस्तान की अस्मिता बचाने का काम कर रही है। और इनकी मदद में जो हमारे मुल्क के बुजुर्ग हैं या हम जैसे तमाम लोग हैं, हम लोगों का अभी पेरिफेरियल ही रोल रहा है, इस वक्त हमारे लिए भी उनके साथ काम करने की जरूरत है। तो एक बात तो मेरे दिमाग में ये बैठी है कि हुकूमत ने कानून तो बनाया और कानून बना के जो मैसेज जमीन पर पहुंचा दिया बड़ा खतरनाक है। मैसेज ये है, कल मुझे हौजरानी की लड़की ने बताया, जब मैं हौजरानी में परिचय से बांटने गया तो एक लड़की आई मेरे पास, आंगनबाड़ी चलाती मुस्लिम लड़की है, कहने लगी कि हमारे यहाँ तीन हिंदू लड़कियां काम करने आती हैं, कहने लगी कि आप लोग काय को लगी हैं इस काम में। तो बोले कभी आप मेरे यहाँ आके समझाओ ना इन लोगों को। मैंने कहा बेटा तेरे लिए बात हो रही है वही, मैं मुनिरका में बच्चे बांटता हूँ तो मुनिरका में भी सुनने को मिलता है तमाम, हालत क्या पैदा की, मैसेज क्या गया है? मैसेज ये गया है कि 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों? इससे जलालत और शर्मिंदगी की दूसरी चीज नहीं हो सकती। हमें इस स्तर पर संघर्ष करना है कि इंसान का जब मुल्क तकसीम हुआ तो मुल्क और खासतौर से जमायत उलमा हिंद ने उसका विरोध किया। तो आप इस वक्त जमायत उलमा हिंद की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी बनती है हमें लीड करने के लिए कि मुल्क तकसीम नहीं हुआ था, हुकूमत तकसीम हुई थी, अवाम जो जहां रहना चाहे वहां रहने के लिए आजाद था। और इस बात को आज भी लागू करना जरूरी है। यह हुकूमत का बंटवारा था कि चंद सूबे मुस्लिम लीग की हुकूमत में आएंगे, बाकी कांग्रेस की हुकूमत में आएंगे, उनको पाकिस्तान कहा जाएगा, कोई हिंदुस्तान कहा जाएगा। यह अवाम का बंटवारे का तस्वर के खिलाफ गांधी मर गया।
हमारे तमाम बुजुर्ग संघर्ष करते हैं। आज सूरत यह पैदा हो गई है कि वो ये शासा पार्लियामेंट में कहते हैं और यहां पर चुनाव की सभाओं में कहते हैं कि आपको चुनाव करना है कि आप शाहीनबाग के साथ है कि भारत माता के साथ है। ये जहर है, इस जहर की मुखालफत हमें करनी करनी है, एक मुसलमान के नाते नहीं, एक हिंदू के नाते नहीं, एक इंसान के नाते। इस्लाम और हिंदुइज्म और बौद्धिज्म वगैरह वगैरह हमें इंसान बनाने की खातिर धरती पर आए, सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज है कि इंसान, और इस वक्त हमला इंसानियत के ऊपर है। हमारे नागरिकता के सवाल के साथ अगर धर्म को जोड़ा जाएगा इससे बड़ी शर्मिंदगी की चीज बन गई। मैं हिंदुस्तान में इसलिए रहूं कि मैं ब्राह्मण हूं या हिंदू हूं, लानत है इस चीज पर। मैं हिंदुस्तान में इसलिए रहूं कि मैं यहां का शहरी हूं, यहां पैदा हुआ, मेरी जड़े यहां पे है, मेरा मुल्क है, और इस पर कोई क्वेश्चन क्यों करे। तो ये मैं समझता हूं कि हालांकि मोदी जी कहते हैं कि ये सीए जो आया नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं आए, लेकिन आधी बात बोलते हैं। अगर इलीगल माइग्रेंट्स के लिए ही लागू हुआ था तो इलीगल माइग्रेंट्स में आपको धर्म का बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? इतने कह देते कि भाई जो भी आदमी किसी भी किस्म के प्रोसिक्यूशन का शिकार है, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, उसके लिए हम शरणार्थी का दर्जा देंगे और 6 साल के बाद उसको नागरिक बना देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं, लेकिन जानबूझ के धर्म का जो टिकट डाला गया उसमें, ये तो एक जैसे बांध में पानी भर जाता है तो एक फ्लड गेट खोल दिया जाए तो बाढ़ आ जाती है, उसी किस्म का तमाशा शुरू कर रखा है ये कि आज आपने इलीगल माइग्रेंट्स पे शुरू किया और कल सारा का सारा हर महीने में दाखिल हो जाएगा, ये एनसीआर में होगा, एनआरसी में होगा, हर सूबे में, हर सूबे में दाखिल होगा। लिहाजा इसकी मुखालफत करने की जरूरत है और अगला स्टेज आने की जरूरत है। अभी मौलवी साहब आपने सही कहा, मैं आपकी बात को गंभीरता से लेता हूँ कि आपने कहा कि 1.5 महीने में हालत बिगड़ी है, बिगड़ी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1942 के बाद पहली मरतबा हिंदुस्तान के कमजोर अवाम ने हिम्मत दिखाई, हुकूमत के जुल्म के सामने खड़े हो गए, वो भी लेडीज ने दिखाई। ये लड़कियां कभी पेशेवर धरना देने वाली नहीं, पहली मरतबा घर के बाहर निकली है और बड़े सलीके से गांधी जी के आंदोलनों में भी इतनी हिंसा मैंने नहीं देखी जितनी इनके लोगों के सत्याग्रह में देखी। बहुत सही बात करती हैं, जो अंदर होते वही बोलती हैं, कोई छल कपट नहीं है, सब कुछ है। अब अगले स्टेज जो गांधी के स्ट्रगल में होती थी कि एक बार अगर, और उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की है इन लोगों से, इन जो लोग जो गए उन लोगों से जिस तरीके से बातचीत की, वो बातचीत भी बड़ी सलीके से की, उसका भी मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स से जुड़ जाएगा। अब हमें अगले कदम की तैयारी कि किस तरीके से हम बाकी अवाम को इसमें जोड़े उसका पर विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर और वंचित बहुजन अघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट, मैं मेरे साथी यहाँ मंजय जी आए हैं, एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर ने ही जो सरकार की जो हम बोलते हैं चाल चली है, मेरे ख्याल से इनको सही टाइम में पहचाना और सबसे पहले बम्बई जैसे शहर में हमने 24 जनवरी को एक प्रोटेस्ट रखा और वो भी हुकूमत से मना होने के बाद भी दादर जैसे टीटी, दादर टीटी पे कम से कम 10,000 लोग जमा हो गए। प्लीज लेट देम सेटल, आई एम ड्राइंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलकम बोथ रहमान खान साहब, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड अनंत खारी साहब। सो पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र में मैं सोचता हूँ कि जानता हूँ कि 24 जनवरी को 10,000 लोग जमा हो गए दादर टीटी सर्कल पे। हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा बाला साहब को कि ये आप शांति से करो, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। हमने पूरी जिम्मेदारी दी कि कुछ नहीं होगा, शांति से होगा और बड़ा सक्सेसफुल हो गया और वहां से थोड़ी मूवमेंट महाराष्ट्र में चालू होगी। फिर हम बाला साहब ने आदेश निकाले कि हर जिला
जो कलेक्टर होते हैं उनके यहाँ मोर्चा निकालिए। सारे शहरों में महाराष्ट्र में ये काफी पैमाने में हो गया। उसके बाद भी छोटे मोटे ये मोर्चे निकालते हैं हम लोग और अभी बैनर्स बना रहे हैं और एक दबाव ला रहे हैं विरोधी अपनी पार्टी जो सत्ता में है शिवसेना छोड़ के कांग्रेस ही राष्ट्रवादी और कांग्रेस को किया आप इसका रेजोल्यूशन पास कर दीजिए असेंबली में। ये अभी हमारा कार्यक्रम चालू हो गया है और उस रिजर्वेशन से कि इनको बता दें कि हमें ये मंजूर नहीं है सीए एनपीआर एनआरसी महाराष्ट्र में लागू न हो। अब ये दबाव का काम चालू है। बाला साहब ने एक कॉल किया है ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ दिल्ली तरफ से कि 4 तारीख को मार्च को वो जंतर मंतर पे बड़ा धरना करने वाले टीम का और उसमें उम्मीद है काफी संख्या में लोग शामिल हो जाएंगे और सबको अपील है कि ये सबको साथ देना चाहिए इस मूवमेंट में। मेरे को ऐसा लगता है कि आसाम का एक्सपीरियंस देखिए भी जो मुसीबतें आई है उसको ही पकड़ के अगर सारे राज्य में ये एनपीआर सीए लागू करेंगे और उसको थोड़ा सॉफ्ट मोड देना चाहती है गवर्नमेंट क्योंकि ये सेंसर चल रहा है अभी एनपीआर हो जाएगा बट वो एनपीआर हमारे ख्याल से कि अलग मोड पे चलेगा उसमें बहुत सारी जानकारी हासिल की जाएगी उसको धीरे से आगे चढ़ा के एनपीआर में सॉरी एनआरसी में चढ़ाएंगे और एनआरसी के पास सीए लगाएंगे। तो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट वेरी क्लियर एंड दे आर रादर क्लियर दैन दे आर वेरी डाउटफुल एंड टर्बी। तो इसके पीछे जो इरादा है वो तो साफ नजर आता है। तो हमारा ये कहना है कि एक जो महाराष्ट्र में मूवमेंट चालू हो गई एक सिन्हा साहब ने मोर्चा निकाली पदयात्रा निकाली जो 30 जनवरी को दिल्ली में विसर्जित होगी तो कई स्टेट उन्होंने कवर कर दी। अब मेरे ख्याल से हमारे लोग के ख्याल से हमारे पार्टी के ख्याल से ये नेशनल मूवमेंट अब तक बनी नहीं है ऐसे हम समझते हैं। और बाला साहब ने जो मुद्दा रखा महाराष्ट्र में कि इसमें खाली मुस्लिम और ये दूसरे धर्म नहीं है लेकिन 40% हिंदू इसमें एडमिट हो जाएंगे। तो हमने भटके विमुक्त जमाति के लोगों को भी बुलाया था और बता रहे हैं कि कागज कहाँ है। तो मुरुन में बड़ी सभा हो गई भंडूप में जहाँ कम से कम 20,000 लोग का माहौल जमा था। हमने डिक्लेयर कर दिया कागज नहीं दिखाएंगे। हमने आगे ये कहा कि ऐसे बहुत हमारे महाराष्ट्र में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं कि किसके घर में कागज नहीं दिखाएंगे ना कभी स्कूल गए ना हॉस्पिटल बैठा होगी ना जन्म की नोंद है या मृत्यु की नोंद है और जिन्हें लोगों ने कलमा भी कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं। ऐसे मुंबई के बाजू में नेशनल साथ ऐसे एरिया में भी ऐसे हट्स है विलेजेस है ट्राइबल महाराष्ट्र बड़ा फेमस है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है लोग कभी स्कूल गए नहीं अभी भी नहीं जा रहे हैं तो ये कागज कहाँ से दिखाएंगे। तो हमने यह बात आगे रखी इट्स नॉट ओनली मुस्लिम बट ऑल्सो 40% हिंदूज विल बी अफेक्टेड। ये बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ध्यान में बड़ी जोर से हम लोगों ने डाल दी है। तो माय फाइनल अपील इज हम लोग का कि ये नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए। धन्यवाद। आप इस बात का जरूर कंसिडर करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग सिर्फ एनआरसी का मामला नहीं है सीए का मामला नहीं है बल्कि जो सबसे खतरनाक चीज हमको नजर आ रही है वो एनपीआर नजर आ रही है जिसको बहुत सॉफ्टली बैन करने की कोशिश की जा रही है और अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द चीफ मिनिस्टर आल्सो नॉट इन पोजीशन नो दे आर इन द गाइडेंस विद अस बट दे आर नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंप्लिकेशंस ऑफ एनपीआर। और उसमें आपके पास एक कागज भी सर्कुलेट कर रहे हैं जो 126 टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री दे हैव रिटन द लेटर उसकी हमने सिर्फ एक्सेप्ट किए हैं वो लंबा था ताकि आपको पता हो कि उसमें क्या खतरा दे रहा है। और एनपीआर बता दे खुद इट इज गोइंग टू ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द इविल्स इन द कंट्री दैट इज अवर परसेप्शन। एनपीआर एक मतलब हो गया और एक वो बंदा जो बिल्कुल क्वालिफाइड भी शायद ना हो उसने आपके आगे ये लिख दिया यू आर गॉन
सो एक्चुअली दैट एनपीआर इज द बेसिक इश्यू, और जब तक लोगों की ये समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक हमारे गवर्नमेंट को सही तरीके से प्रस्पेक्टिव नहीं आएगा. दैट इज व्हाट एक्चुअली Actually, NPR, I said, the next step is जो NRCS, ये NPR, they are trying to say the soft mode only census, but the hidden thing in NPR, which you have rightly said and stuck it out here, तो एक soft stack करके लोगों को बहकाने का कोशिश चल रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ठीक है. हमारे मुख्यमंत्री भी कल यहाँ दिल्ली में आया, उन्होंने स्टेटमेंट किया कि ये इसमें गलत कुछ भी नहीं है, उनका भी परिवर्तन हो रहा है. आई एम एडवोकेट सरदार रजागी. आई हैव अ पुलिस बैकग्राउंड एंड आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वंचित बहुजन आघाड़ी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माय प्रेसिडेंट एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर. एज इट हैज बीन वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय 106 रिटायर्ड आईएएस IPS, IPS officers. Few of them I had a talk yesterday night. The issue is not that simple as we are thinking. Having reliance upon my intelligence services background, I would like to share some very disturbing data in this brainstorming session. And that is after NPR, NRCCA, when they will pull you to detention center. Detention center will be not simple detaining activity, but it is a heinous business. The people who have seen Schindler's List, a cinema of the Second World War, where the history and business orientation of Hitler's detention houses were narrated very professionally. That time the science was not that progressive. Now today, healthy human body from 20 to 45 years has a cost in international market around 7.5 crores. I am the witness in Mumbai police who handled 92-93 riots. Final job was given to me with assistant of my two inspectors to dispose of unclaimed dead bodies. 356 unclaimed dead bodies were disposed of. There were no relation, there were nobody to claim them after 90 days. So, in India, you just imagine, you put a common man, Adivasi, a tribal, a micro OBC, who doesn't have much access to get himself recognized, who doesn't have their proper relations then to recognize, or relatives, Assam case is very simple, are in some other detention, wife in some other detention, children are in some other detention. Nobody comes forward to claim the detainee. Is it not a possibility? I am just quoting a question. Is it not a possibility that they will dispose of him for the sake of men? Women's home will provide a natural incubator system is highly in demand. Indian skin is highly in demand. Your kidneys, your liver, all other organs, including the legs of your lungs, are highly in demand. So, I know my urgent plea to every one of us. We need to take this thing very, very seriously. The present government is known for having their agenda so invisible under their layers that it will never come in the knowledge of the masses. Theory of masking, what they do right from Kashmir, they are expert in that, and I think the best masking theory they have done in this NPR, NRC and CA. As Prakash Ambedkar wants to have, he is trying to recognize a face for this
agitation on national level and a concrete dimension. We were in Maharashtra, we were in collaboration with MIM, but experience was not that good, and putting into the yesterday's remark of people like Vice Pathan, it is so very disturbing that some of us are trying to complement the agenda of Mossad along with RSS and BJP. So that thing also we should consider quite very seriously, I feel. And I appeal everybody to join Prakash Ambedkar on 4th March, support him, whatever way is possible, and see whether we can make a national voice. So far on state level it's going on, but it's a need of the time to have a national voice for this education. That's my opinion. Thank you very much. Yes, please just let us know your name also so that you can hear. Go ahead. Mera naam Rakesh Rafi. Mr. Dr. Rakesh Rafi is naam. Right, sir. और जय प्रकाश जी के आंदोलन से अभी तक जो भी देश में आदि के सबसे बड़ा संदेश के असफल प्रयास होते रहे उसमें संलग्न रहा और अपनी बात शुरू करता हूं मैं इतिहास से जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे जो सोच है उस सोच के खिलाफ लड़ाई की होती है। महात्मा गांधी से माउंटबेटन की अंतिम मुलाकात में माउंटबेटन ने कहा कि आप भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्र मत गई दो राज्य नहीं है, हम एक राष्ट्र हैं। यानी भारत और पाकिस्तान बन गए दो राज्य के रूप में, लेकिन राष्ट्र के रूप में वो एक ही है। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति एक है और उस परंपरा में हम लंबे समय से जीते आए। तो उस समय एक चैलेंज हुआ गांधी के इस नेतृत्व को चुनौती देते हुए, जब कहा गया कि भारत दो राष्ट्र और उसमें जैसे भी हमने जो षडयंत्र था, एक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, दूसरा भी उसी समय सावरकर जी के कहने के बाद प्रयास था कि एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने उस हिंदू राष्ट्र को नहीं बनने दिया। महात्मा गांधी ने सारे लोग जुनून है, खान अब्दुल गफ्फार का हो, मौलाना आजाद हो या हमारे लोहिया जयप्रकाश हो, सब इंक्लूड है, भारत नहीं बन पाए। उस समय जो लोग वो काम नहीं कर पाए वो इस बात सबने उतरे हैं। पिछली बार वो भूमि अध्यादेश लाए थे उसका विरोध हम लोगों ने किया और भूमि अध्यादेश लागू नहीं हो पाया। इस बार मुझे लगता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो जो भी कुछ करता है वो अभी ही उन्हें कर लेना है, और अगला इलेक्शन अगर इस पर आप जीत गए तो हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए। तो उस समय हमारे पास कांग्रेस की महात्मा गांधी के उपवास में बैठ गए, तमाम चीजें हो गई। आज हमारे पास देशभर में लोग हैं, लेकिन उन लोगों को संगठित प्लेटफॉर्म पर जाने वाली कोई ताकत नहीं बची, और चूंकि वो संगठित ताकत भी बनी हुई है इसलिए ये इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की तस्वीर में डुबो देना चाहिए, जबकि ये मेरे और आपके सबके लिए चैलेंज है। क्योंकि हम भारत राष्ट्र के लोग हजारों साल से हमारे पुरखे आ रहे, तुम कौन लेखपाल महोदय, कौन सचिव महोदय आपकी अनुसी पूछते हो, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपकी माँ बाप यहां जन्म लिए थे, कौन आपने ये हमसे पूछ लिया? तो उस आदमी को हमें चैलेंज कर दिया, और वो चैलेंज एनपीआर से शुरू। तो हमें रेडी रहना है, हम सारे लोगों को इस आंदोलन की व्यापकता यही है, हम सारे लोगों को रेडी रहना है कि कंसल्टेशन के अंत में हम रहने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी नागरिकता तुम्हें नहीं पूछे।
तो यही लड़ाई का व्यापक फर्क है कि अगर इस पे देश के तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम क्रिश्चियन सिख सब मिलकर इस बात के लिए दबा गया रहेंगे तो ये विचार करा पढ़ाई और अगर विचार करा पढ़ाई नहीं होती है तो एक एंटी एनसीआर होगी और दूसरा षड्यंत्र है फिर एक तीसरा षड्यंत्र है। तो हम लोग चूंकि जितनी मेहनत करके वो काम नहीं कर पाए कि जनता ने आगे बढ़ती कर दी शाही बाग में करते या एक बार लेकिन अपनी मूवमेंट जो है वो डिस्क्रीट वे में है जगह जगह लोग डरते हैं अपने हिसाब से। तो अगर हम ये कोशिश ना उल्टी कर पाते हैं कि देश में एक ऐसा व्यापक मंच बन पाए जो कांग्रेस की तरह टिका हो इस विधायक को आने की स्वतंत्रता और हटाए जाने की स्वतंत्रता विभिन्न विचारों को रखने की स्वतंत्रता बस हमारा मूल बिंदु एक हो ये गांधी और अम्बेडकर की परंपरा का देश है भारत राष्ट्र एक है और ये डिविजन ही होगा। इस मूल बात पे एक बड़ा व्यापक संग्रह देश को बढ़ता है तो हम इस विचारधारा को चुनौती दे सकते हैं और आप सब जानते हैं कि अपने वचनिया है कुछ तुरियां हो जाती है जैसे जयप्रकाश जी ने आरएसएस को साथ ले लिया उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी और यही जाते हैं तो भारत की परंपरा में जनसंघ को किसने मतलब दे दिया किसने पूछा जनसंघ को किसी ने नहीं पूछा लेकिन वो एक दुर्भाग्य था इंदिरा गांधी जी लड़ते वक्त हो गया और उस पर सवार होते ही आज तक पहुंच गए। और मैं समझता हूं कि अगले तीन साल क्योंकि हमको सशस्त्र क्रांति तो नहीं चलता डेमोक्रेटिक ढंग से ही जाना है और डेमोक्रेटिक ढंग से तीन साल का मैक्सिमम समय है तो अगर हमारी भी अल्टरनेटिव पावर आ तो इसका मतलब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारी टेस्टिंग ये है कि हमारे यहां हमें से अधिकांश लोग जैसे त्रिपाठी जी हैं मैं आई आई टी प्रोफेसर बहुत सर भावना के साथ काम करते हैं आप सब लोग डिग्री और ऋषि परंपरा के जो लोग हैं सत्ता से दूरी रहते हैं सत्ता हमेशा कुछ चलो चला आदमी सत्ता के काबिल हो जाता है और लड़ाई और आंदोलन जो है वो तेजी से तो सत्ता का सवाल यहाँ पे नहीं है यहाँ देश को बचाने का सवाल है और ऐसे लोग तो इसके बीच में कूदे ही है तो अपने से अगर लड़ाई हो तो थोड़ा सा व्यवस्था प्रवर्तन हो तो उसकी सफलता नहीं तो फिर एक दौर आएगा तो कुछ लोग उस भावना से सत्ता में बैठ जाएंगे और हम सब लोग बाहर खड़े होंगे फिर देखते रहेंगे देश की दुर्गा तो एक ऐसी व्यापक लंबी लड़ाई की योजना हमें बनानी है। गांधी बहस का बिंदु है जगमोहन राजपूत की किताब में थी आरएसएस की फिल्टर है उसका उद्घाटन हो गया सत्र में हम लोग बहुत साधारण लोग हैं लेकिन इसी लड़ाई को मानते हुए हमने भी गांधी की किताब लिखी है आप सब लोगों को बांटने की बहुत अच्छी नहीं कर पा पाएंगे उद्घाटन नहीं कर पाए लेकिन गांधी की बात आरएसएस प्रयोग नहीं कर पाया उसकी हर बात को काट देंगे गांधी की सही बात सामने ला के ये मिशन ना वो गांधी का प्रयोग कर पाए ना अम्बेडकर तो ये वैचारिक बराबर में हमारी लड़ाई आगे बढ़ती है तो हम इन चीजों को रोकने में मेरा नाम मुश्तबा फारूक ये जो अलायंस के लिए काम कर रहा है उसका वोट अंदर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट में रख के आपकी के हवाले करना चाहते हैं। एक्चुअली आप सब ये देख रहे हैं हम सब ये देख रहे हैं कि सीए के इशू पर मुस्लिम समाज बहुत ओवरवेलमिंग सामने आया है जनरली सोशल इश्यूज के टच में मुस्लिम समाज नहीं रहा आइसोलेशन में रहा और सारे देश को ये शिकायत रही कि मुस्लिम जो है आता नहीं अब ये समय नहीं कि इतना उस पर एनालाइज करें कैसा क्यों हुआ लेकिन अभी ये काफी है कि इस इशू पर जो मुस्लिम का इशू तो है लेकिन शायद मुस्लिम को अपना नहीं पूरा नेशन का है इस नेशनल इशू पर मुस्लिम जितना ओवरवेलमिंग आया है और जितना कुछ अवेयरनेस मुस्लिम समाज में है शायद ये मेजोरिटी समाज में वो नहीं और जैसा मेजोरिटी समाज को आना चाहिए लड़ाई के लिए अभी समाज नहीं मिला है कहीं कहीं कुछ चीजें तो हुई जैसे हमारे साथी महाराष्ट्र से कह रहे थे उनका अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया उसमें अगर मुस्लिम काफी साइड में रहे और भी कुछ जगह हुआ है लेकिन ये है कि इसको हम कैसे
कॉमन इशू बनाया, उनका जो एटलीस्ट इससे इमीडिएट अफेक्ट होने वाले हैं, जितने अवेलेबल क्लासेस हैं, जितने इलिटरेट हैं, उन सबको तो लाइन में लगना है। उनका डिमोनेटाइजेशन होना है, उसमें से कितने आत्महत्या करेंगे और कितने कितना करप्शन करेंगे, ये इशू मेरे कंसर्न का रहा है। आज का हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हम उसको कैसे कॉमन मैसेज बना सकते हैं। इस पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम को स्ट्रेटेजी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। इवन सिचुएशन ये है, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव जी की बात आई है, तो उसमें लोग ये समझते हैं कि एनपीआर जो है वो सेंसस है, हालांकि ये दो चीजें मिक्स कर दी है। हाउ सेंसस अलग है, एनपीआर अलग है। एनपीआर को एनआरसी के फॉर्मेट में ठाल दिया गया, इसलिए हम मुखालिफत कर रहे हैं, मैंने एनपीआर की मुखालिफत क्यों करें। सीए जो है, अगर प्रताड़ित लोग आ रहे हैं उनको वेलकम करना चाहिए, उनको हम क्यों उनको ये करना चाहते हैं नहीं करेंगे। इशू तो ये है कि आप एक समाज को जो बेसिक इंडियन है डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर उनको आइसोलेट नहीं करके उनको टारगेट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। तो ये जो नेशनल कंसर्न है, इस कंसर्न को लेकर आप सदराज को आमंत्रित योग्य आएगा, वो इसी रिक्वेस्ट के साथ हम कहना चाहते हैं कि इसको हम कैसे प्लूरल करें, कैसे कॉमन करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे समझा सकें। इसलिए कि शायद आज तक तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट भी हम अब तक प्रेजेंट नहीं कर सके कि हम इसके विरोध में हैं तो क्यों विरोध है। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं अमित शाह जी कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं, हम तो देने के लिए आए हैं, तो लेने वाले के बेवकूफ तो नहीं है आप दे रहे हैं और हम नहीं ले रहे हैं। आप तो छीनने के लिए आए हैं, जैसा कि आपने विकास का नाम किया और विनाश किया। तो सौर यही पर ये बात खत्म करते हुए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करें कि हम इसको कैसे कॉमन प्लूरल इंक्लूसिव बना सकते हैं। शुक्रिया। नायक साहब, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम विनय नायक, मैं सिविल सर्विस प्रोफेशनल हूँ। दो तीन चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो सीए क्या है, प्रोपोज कर रहे हैं उसमें क्या काफी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, डायरेक्ट बोलना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। ये हमको सहमत नहीं है, इसकी वजह से आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 49-21 के खिलाफ लड़के हुए, इसका उत्तर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, एनआरसी का रिजल्ट जो सामने है ये पूरा देश के सामने लेके जाना चल रहा है। एनआरसी के पास क्या हुआ, आप बोल रहे थे बाहर से कितने लोग आए, कितने लोगों की उपस्थिति थी। अब 19 लाख में से माइनॉरिटीज 5 लाख हो गए, 14 लाख लोग नॉन माइनॉरिटीज है। वो नॉन माइनॉरिटीज कौन होते, आप बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो भी है वो हिंदू है, ऐसा नहीं। उसमें कितने आदिवासी है, कितने दलित है, कितने ओबीसी है, कितने ब्राह्मण है, कितने राजपूत है, ये भी लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं लिया तो इस देश की असली नक्शा हम नहीं जान पाए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हमको जहां तक इन्फॉर्मेशन है ज्यादा लोग एससी बीसी ओबीसी लोग वहां पे एकत्र हुए। ये इन्फॉर्मेशन देश के सामने लेके जाना बहुत जरूरी है। अगर पूरा देश में आप एनपीआर के नाम के लागू करो और डायरेक्ट एनआरसी लागू करो, आज तो एनपीआर एनआरसी हो गई, अलग अलग नहीं है मेरे ख्याल से, जो तुम्हारा उस पे बता दे तो सबको पता है। अप्रैल 1 तारीख शुरू हुई, उसको जो पहले हमारे पॉपुलेशन लेते थे वो बेसिस पे लेने से कि इसको कोई इतना नहीं होना चाहिए। जैसे आप 19 ईयर से जो सेंसस इस देश में चल रहा बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, लास्ट टाइम जो है सेंसस डिपार्टमेंट ने जो बेसिस पे सेंसस लिया था, आज भी वो बेसिस पे सेंसस दिए तो कोई इंसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो क्लासेस नया क्लासेस है उसको हटाए बगैर एनपीआर लागू करने के खिलाफ करना चाहिए। इसके लिए पब्लिक खुद सामने आके हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में, हमारे शहर में हमें एनपीआर लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं बोलने का लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर प्लान आपको 45 डेज है आपके सामने, हमारे सामने 45 डेज की 45 डेज की क्या प्रोग्राम बना सकते। और मैं तो एक बात यहां दोहराना चाह रहा हूं, महात्मा गांधी जी का, हम जो सेलेक्टेड जो इलेक्ट किया है कोई पार्लियामेंट मेंबर
जितने भी असेंबली में मेंबर्स हैं हमारे, वो लोग तो कोई काम करने के तैयार नहीं है, जनता को बाहर लाना है। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी का चाल क्या है इसके पीछे, ये जाना बहुत जरूरी है। आरएसएस का चाल क्या है, अगर वो नहीं जा रहे तो हम सही रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे। उसका चाल यह है कि हिंदू मुस्लिम का डिविजन लाने सब बोल सकते हैं, मगर इसमें और भी है, खाली हिंदू मुस्लिम का डिविजन लाने का ही काम नहीं चल रहा है, उसके पीछे भी कौन सा कौन खत्म होने वाला है। मेरा डर है मैं आदिवासी हूं इसीलिए मेरा कौन खत्म होने वाला, जैसे असम में, मगर मेरे को ये पता नहीं है कि मैं ही खत्म होने वाला, क्योंकि और कुछ मुस्लिम पार्टियां और नेताओं यही काम कर रहे हैं कि जो आरएसएस चाहते, जो आरएसएस आगे बढ़ाना चाहते। इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल बोलना चाह रहा हूं कि आरएसएस का विचार को और बीजेपी का विचार क्या है। आरएसएस से इस देश में कभी संविधान को नहीं माना, पहली बार बीजेपी सरकार आई थी संविधान हटा के लिए चलप्पा कमीशन लगाई, वो पॉसिबल नहीं हुआ, टीचर हट गई, बहुत सारे आंदोलन हुए, टीचर हट गए, उसके बाद को आज संविधान के बेसिस पे मनोधर्म को कैसा लागू करना है सोच रही है, प्रैक्टिकली कैसे इंक्लूड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उस बेस करके प्रैक्टिस पे मनोधर्म लाने का सोच रही है। और जो मुस्लिम छोड़ के आप हिंदू मानते हैं, हिंदू मेरा माता जी को पूछो आप हिंदू है मुस्लिम है, वो हिंदू क्या होगा, मुसलमान तो छोटा बोलते हैं, ये जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन मैन को ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे पहले जो मुसलमान ने ये काम की थी मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूँ, यही मदानी हाल में बैठ के बात किए थे आपसे दलित मुस्लिम यूनिटी के बारे में, मेरा तो ये शिकायत भी आपसे, अगर वो आगे बढ़ी तो आज माहौल ऐसा नहीं होता था। अगर वो यही मीटिंग का रिजर्वेशन जो आप किए थे वो प्रैक्टिस में आगे आ जाता था, ये 15 साल में पूरा देश में तो पूरा देश और एक नतीजे से जाता। आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का सोच को खत्म करने का काम चल रहा है, जितना भी काम चल रहा है। आफ्टर दिल्ली इलेक्शन मोदी जी ये बोले थे अब तो खाली शामिल बताया, आगे बहुत करने वाले शामिल किए, वो हर चीज को हिंदू मुस्लिम का लाके दलित आदिवासी को किसी को स्लेव्स बनाना चाहते हैं। पहले इससे पहले 3000-2000 साल पहले काम किए थे, दलित को दुश्मन बना के ओबीसी को स्लेव बना, इस देश में आज तक ओबीसी स्लेव ही है और ट्राइबल को कभी नहीं माने, आज मुस्लिम को दुश्मन बना के दलित आदिवासी एंड ओबीसी को स्लेव बनाने का काम चल रहा है। हमारे पवन जी ग्रामीण कम्युनिटी से बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं, जो एलिट कम्युनिटी है उसकी तरफ से कोई डिस्कशन नहीं आ रहा, जो ओबीसी में दलित में ट्राइबल में माइंड वॉश करके बीजेपी आरएसएस का विचार जो घुसा गया है वो लोग सामने आ रहे हैं। आपका गुजरात का रिजल्ट देख लिया, गुजरात में राइट्स कौन किया था, गुजरात में मुस्लिम का ऊपर अटैक कौन किया था, प्रैक्टिकल रियालिटी है पूरे ट्राइबल एंड आदिवासी से दलित से जो भी शामिल थे उसमें, मगर उनका माइंड किसके साथ था, बीजेपी का आरएसएस का विचार के साथ था, वो विचार का बेसिस क्या था, सोशल बेसिस पे कम ग्राउंड पे उनका माइंड पूरा खराब किया कर दिया था, उसके लिए 10 साल का काम चला था प्रवासी कल्याण के पर्चे था 84 आरएसएस की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वही काम में लगी हुई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज वही काम चल रहा, क्योंकि इस देश में ये बंटवारा से पहले जो आरएसएस सोचती ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगी, नहीं रहना चाहिए, ये मनु कंट्री चाहते थे वही मनु कंट्री का विचार को लाने का कोशिश कर रहे, इसीलिए उसको कैसे बोल सकते हम ये अंदाज पे आ गए, तो उसको जो संविधान के बेसिस पे देश चलाने का विचार कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज सोशल लाइफ में मुसलमान को छोड़ के जो भी सिस्टम है मुसलमान जो आपका मुसलमान का सिस्टम को फॉलो करते हैं, मगर इंडिया का जो सोशल लाइफ है ये सोशल लाइफ इज नॉट मूविंग एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सोशल लाइफ मनोधर्म का बेसिस पे चल रहा है, अगर उसको खत्म नहीं करेंगे तो सोशल लाइफ को चेंज लाएंगे हमको, ये तो हर बार ऐसा ही मुद्दा उठते रहेंगे और डेमोक्रेटिक सोचने का फोर्स जितने भी है वो तो खत्म होते जाएंगे, अल्लू वाले खत्म होते जाएंगे, वो खत्म हो रहा है। इसीलिए अगर कोई कल आप हमारे भाई बोल रहे थे महाराष्ट्र से आए हुए, हमारा ओएसी साहब मुसलमान का मीटिंग करेंगे, वो मुसलमान का मीटिंग करने से आरएसएस का काम आसान हो जाएगा,
आरएसएस का काम आ जाएगा, जो आरएसएस तो मेरे को समझ में आया था हम आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस का विचार की मनाने को काम कर रहे हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे सोसाइटी को चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारा एक गलत कदम है, उनका विचार कुछ अध्ययन कर सकती है। इसीलिए मैं ये मानना चाह रहा हूं कि सोशल लाइफ में चेंजेस लाने के लिए ग्राउंड तक मैं पूछ रहा हूं, हम तो जाने को तैयार है, हमारा ताकत उतना नहीं है वहां तक पहुंचे, आपका ताकत है। मुसलमान आज जानता है क्यों ना मुसलमान दलित के घर जाने का शुरू करे, पुनः आदिवासी के घर जाने का शुरू करे। जो असम का रिजल्ट है, हम घर घर में जो सफरा कम्युनिटी है, पूरे सफरा कम्युनिटी के ध्यान में इसको लेके जाना बहुत जरूरी है। आपको आपका फादर का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? मुझे तो मेरे पास नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा पिताजी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाऊं? और मेरा पिताजी तो मैं बचपन में चले गया, उसका एविडेंस कहां से प्रूव करूं मैं? अगर ये जो उसका जो प्रोसेस है, अगर हम जनता तक लेके गए, ग्राउंड तक लेके गए, तो बहुत सारे बदलाव हम ला सकते हैं। हम ऑलरेडी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हम ये काम शुरू कर दिए, हम शुरू कर दिए, और आदिवासी का मीटिंग अलग ले रहे हैं एक मिनट, और ट्राइबल का मीटिंग अलग ले रहे हैं, जितने भी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन और दलित ऑर्गेनाइजेशन, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन और अपर कास्ट ग्रामीण हमारे पास में बैठा है, जो सोशल डेमोक्रेटिक पर्सन है, ग्रामीण का, रेडियस का, जितने भी कम्युनिटीज है, जो संविधान बेसिस पे इस देश को मानने वाले है उनको हम एक तरफ, और संविधान के खिलाफ मनों को मानने वाले है उसको एक तरफ, एक डिविजन इस देश में विचार का बेसिस पे डिविजन आना बहुत जरूरी है, उससे ही देश आगे बढ़ सकता है। उसके लिए मैं दो प्रपोजल रखना चाह रहा हूँ, एक तो दिल्ली लेवल पे जितने भी अलग अलग मीटिंग हो रहे हैं, एक नेशनल लेवल का यहाँ का बहुत बड़ा मीटिंग का एक जरूरत होती है, और हर स्टेट में एक एक मीटिंग, और ग्राउंड लेवल तक पब्लिसिटी जाना बहुत जरूरी है। अप्रैल 1 तारीख से नया यूपीआर जो आने वाला है, हम पूरे पुराने क्लासेस छोड़ के नया क्लासेस नहीं निकाले तो गांव में नहीं आने देना है, हमारा ये स्लोगन लेके ग्राउंड तक जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। इनफैक्ट हमारा प्रपोजल ये है कि फर्स्ट राउंड में वी वुड लाइक टू हैव द आइडियाज फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। इन द मीन टाइम व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर सेइंग, हम इसकी बुनियाद के ऊपर एक बाकायदा डिक्लेरेशन बना रहे हैं ताकि आप सबके वो आइडियाज उसमें आ भी सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेज होगा ये होगा कि अपनी बात हम संक्षेप में मुख्तसर अंदाज में कहें, और उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर जो आपने बात कही वो बहुत क्रूशियल चीजें आपने कही है, विच इज वेरी वेरी रिलेवेंट, कि ये एनपीआर जो है एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, हमारे पास टाइम नहीं बचा है, हमारे पास 45 डेज भी नहीं बचे हैं, हम मौसे की इसको वेरी फर्स्ट स्टेज वी हैव टू डिसाइड एज टू व्हाट एक्शन है टू बी टेकन अगेंस्ट इट। तो हम जो अपनी बात करेंगे तो पॉइंटेड आपकी सारी बातें हम नोट भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये दरख्वास्त करेंगे फर्स्ट राउंड तीन चार मुद्दे मैं सामने रखना चाह रहा हूँ, मैं बहुत और ये क्या है इसके बाद बात नहीं करूंगा। एक बात ध्यान में रखने को रखनी होगी कि आने वाले 4 साल के लिए लंबी लड़ाई है, सरकार तो अभी सत्ता में है, आरएसएस बीजेपी की सरकार है, तो 4 साल के लिए ये सस्टेनेंस का हमको लड़ाई का ही तैयारी करनी होगी। दूसरा जो इमीडिएट अभी आपने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से प्रोसेस चालू हो जा रही है ऑब्जेक्टिव की, और 7 साल एनपीआर की, जो अगर हम सर्कुलर देखे सेंसस के रजिस्टर जनरल के, तो उसमें मोटे मोटे तौर पर डॉक्यूमेंट्री के साथ एनपीआर भी उन्होंने लाया हुआ है। स्टेट के सर्कुलर अगर हम देखते हैं तो उसमें वो एनपीआर का मेंशन नहीं कर रहे, हाउस लिस्टिंग की बात कर रहे, बट वो साथ में हो रहा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हमको दिखाई देती है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स तो अपने अपने जगह बयान दे रहे या कुछ कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल बैनर की तरह एक इसकी ओनरशिप या इसके अगेंस्ट में जो सारा मसला चल रहा है उसकी ओनरशिप पॉलिटिकल पार्टी ले रही है। तो एक अच्छी शुरुआत प्रकाश अम्बेडकर जी साहब ने बॉम्बे से दिसंबर 16 से शुरुआत की, जहां उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ये नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है,
तो देश में 40% जो आबादी है जो हिंदू आबादी है उसके भी खिलाफ है। तो ये नैरेटिव एक जो बड़ा साबित दिसंबर 16 के बाद सामने आता है, और आप अगर देखोगे दिसंबर 16 की पूरे प्रदर्शन को धरने को, तो वहां भाजपा जो था उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम था और नोमैडिक और बाकी सारा पार्टिसिपेशन बड़े पैमाने पर। तो जो साहब उनकी बात कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज जो मुस्लिम समाज बड़े पैमाने के रास्तों पे है या जगह जगह शाहीनबाग स्वराज जो एक कर रहा है वो उसका रीच आउट हम दलित बस्तियों में आदिवासी बस्तियों में ओबीसी कम्युनिटी में कैसे करें। और 4 तारीख को लेकर जो एक और नेशनल लेवल पे दिया जा रहा है या दिया गया है उसका उसकी सहभागिता हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बीच में कैसे बढ़ाए। हमने कुछ पर्चे भी उस सिलसिले में बनाए, दुर्भाग्यपूर्ण आज हम उसके साथ नहीं ले आ पाए, पर अगर मान लो यहाँ पर अपना एक नेटवर्क हम इसके लिए इस्तेमाल कर सके तो वो एक अच्छा प्रयास होगा। साथ साथ मेरी गुजारिश है कि आप दिल्ली में जाने वाले दिल्ली की जाने वाली हस्तियां दिल्ली के एनसीआर में भी आपकी पहचान है, तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि 1 मिनट का 1.5 मिनट का जरा वीडियो क्लिप भी आप अपने इसके लिए बनाएंगे 4 मार्च के सहभागिता के लिए, ताकि वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर थोड़ा सा वायरल हो सके। सभी लोग बताए 1 मिनट का 45 सेकंड का अगर होता है तो ट्विटर और सबसे जो कि अच्छे से वायरल होता है उसको, तो वो बनाए और दरखास्त करें, अपील करें लोगों से नॉट ओनली फ्रॉम विदिन कम्युनिटी बट आउटसाइड कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन सपोर्ट। दूसरा ये कि 4 मार्च के बाद इसको जैसे 1 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है एनपीआर की प्रोसेस का ऑफिसिंग का, तो 4 मार्च के बाद इसको अलग अलग स्टेट में भी लेना बहुत जरूरी है, तो वो अलायंसेस हम कैसे देंगे नेशनल लेवल पे उसका मैं थोड़ा सा। थैंक यू। यस सर, आप करें जी। मेरा नाम राजकुमार जैन, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर और 4 दिनों से एमएलए भी रहा। मेरी पहली गुजारिश आज के सदर मदनी साहब से, क्योंकि मैं हिस्ट्री का तालिबे इल्म रहा हूँ और मैंने जमाते और मैं हिंद का इतिहास भी पढ़ा है। गांधी जी को सबसे पहले आपने अपने यहां बुलाया और उस वक्त में गांधी जी की हमारी मदद भी की। ये सब हमारे जितने भी आज के इंटेलेक्चुअल्स यहाँ हैं, सीएए और एनसीआर एनपीआर को सारी बातें आई गई है। हमारे सामने मसला है कि इससे हम पूरे कैसे, तो मेरी नजर में जैसा कि पार्टी साहब कह रहे थे नुकसा रूप से ठोस रूप से हम पॉइंट को रखें। मदनी साहब आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब तक आप जेल नहीं जाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, कॉल नहीं देंगे, तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में 46 साल रहा हूं, मैंने देखा है अब गली मोहल्ले में लोग निकल रहे हैं, बातचीत चल रही है, पर जब तक उसको एक मरकजी पूरी तरह से निशाना बांध के हम अपनी तरफ से तैयार नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तक हम अपनी दादियों की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग के अंदर दादियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, वो हमसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, मदनी साहब क्या कर रहे हैं, जो कौम के हमारे रहबर हैं, आप टीवी में आते हैं, हिंदुस्तानी आपको पसंद करता है। तो एक नंबर पर तो मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा इस मवाद की असली जड़ पे भी हमें जाना है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का डिसाइपल हूं, उन्होंने हिस्ट्री में लिखा है कि तवारीख में लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं हुई है, देसी और परदेसी की हुई है। नादिर शाह तैमूर लंग ने जितना कत्लेआम किया उसने मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये हिस्ट्री है, दिल्ली शहर की हिस्ट्री है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर था झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इसका हम क्या कर पाए। उन्होंने कह दिया डॉक्टर लोहिया ने 370 हटाने का किया था, मेरे जैसा आदमी से पीट रहा है भैया कौन सी किताब से लाए। एक ही उपाय है इसका, मैं कहना चाहता हूं सब साथियों से, भारत पाक महा बांग्लादेश महासंघ की मुहिम चलनी चाहिए, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया,
ये सारे मुल्कों के अंदर हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है, हम क्यों नहीं मांग करें? जब हम इस मांग को उठाएंगे, इसके ऊपर आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, बैठेंगे, बातचीत लाएंगे, कभी तो लोगों का दिमाग साफ होगा। गांधी जी ने जो कहा था बादशाह खान से कि मैं तुम्हारे साथ चल के पाकिस्तान की जेल में बैठूंगा, अगर गांधी जी जिंदा होते तो पाकिस्तान की जेल के अंदर हो, यहां नहीं हो, यहां बातें नहीं बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कम से कम इस आंदोलन का ये पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ। पहली दफे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि मैं हमेशा मन से मानता हूं कि सेकुलर लोगों की, खुले दिमाग के लोगों की, जिनकी जहनत बिल्कुल साफ है, उनकी मेजोरिटी है, किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी इदारे में विश्वास रखने वाला हो, उसकी उसके दिमाग में जहनियत नहीं है। मेरे गांव के अंदर आदमी, मंत्री साहब में खत्म कर रहा हूं, मेरे गांव में मेरे साहबजादे आप जानते हैं, अगर गांव की बरात आ जाती है, किसी भी जात की, बिरादरी की, मजहब की लड़की दूसरे गांव के अंदर ब्याई गई है तो शादी में जाके उसको परोसा देते हैं, कहते हैं नहीं तो देवता नाराज हो जाए। मेरी 70 साल की माँ हमारे मुस्लिम कारिंदे साहब के उनके सामने पर्दा निकाल दी, ये हमारी रवायत है, सांप्रदायिक तो नहीं है, वोट के चक्कर में आ गए। इसलिए मेरी ये आपसे ये मैं सोचता हूँ, मेरे मन में सत्याग्रह जब तक नहीं होगा, जब तक निशाने पे हम गोल पे निशाना नहीं मारेंगे, तब तक वो बात बनेगी। शुक्रिया।